नमस्ते, मैं सुरभि। तो कुछ प्लांट विंटर के इतने खूबसूरत होते हैं कि ना चाहते हुए भी हम एक दो प्लांट नहीं लेते हैं, तो मैं सकुलेंट की बात कर रही हूँ। जी हाँ, दिल्ली में तो वैसे सकुलेंट चलता नहीं है, लेकिन हाँ, विंटर में ही ये खूबसूरत एक से बढ़ के एक कलेक्शन आते हैं। बचाने वाले तो इसे बचा ही लेते हैं, और कुछ तो हार्डी भी सकुलेंट होते हैं, और कुछ ऐसे सकुलेंट होते हैं जो कि गर्मियों में नहीं चलते हैं। लेकिन हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं होगा कि हम जाएं और सकुलेंट दिखे तो हम एक ज़रूर ले लेते हैं, जैसा कि मैं। तो आप सकुलेंट को सीजनल प्लांट की तरह इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, जो परफेक्ट लोग होते हैं वो तो इसे बचा ही लेते हैं, पत्तियों से भी ग्रो कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे नौसिखिए लोग बस ट्राई करते रह जाते हैं, लेकिन प्लांट ज़रूर ले आते हैं। तो आज मैं आप लोगों से कमलेश नर्सरी शेयर करूँगी, जहाँ पर फिर से बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट का कलेक्शन आया हुआ है। तो सकुलेंट का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि सकुलेंट से बहुत प्यार करते हैं और जिनका फेवरेट है। तो आइए देखिए कौन कौन से सकुलेंट की वेराइटी आई हुई है और उसकी प्राइस क्या है। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। और जब भी इनके यहाँ सकुलेंट आता है तो इनके यहाँ हाथों हाथ ये सारे सकुलेंट बिक जाते हैं, क्योंकि इनकी प्राइस इतनी अच्छी होती है और इनकी जो हेल्थ होता है सकुलेंट का बहुत ही अच्छा होता है। और इसी टाइम ये सकुलेंट आपको दिखने को नर्सरियों में मिलेगा। हाँ, कुछ हार्डी होते हैं, कुछ गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं, तो इनकी यहाँ ऑनलाइन होती है, लेकिन अभी इन्होंने ऑनलाइन बंद कर रखी है। जब ये शुरू करेंगे तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी कब ये ऑनलाइन शुरू करेंगे। इनके यहाँ कुछ है हैंगिंग, पहले मैं शेयर कर देती हूँ। हैंगिंग बास्केट में कुछ सकुलेंट है, जैसे कि ये सकुलेंट टाइप ही है, ये वेरीगेटेड वंडरिंग जू है। तो दो तरह के मिल जाएंगे, जो कि पॉट में लगा लगाया हुआ आपको 250 में मिल जाएगा। तो ये वेरीगेटेड वाला जो वंडरिंग जू है, ग्रीन और वाइट की लाइनिंग वाला, बहुत कम ही दिखने को मिलता है। और ये भी देखिए लाइट पर्पल कलर में कुछ ग्रीन शेड में ये है, पूरा बास्केट भरा हुआ है वंडरिंग जू से। तो ये बहुत इजी टू ग्रो है, ये जो पर्पल वाला है। और देखिए ये स्ट्रिंग ऑफ पॉल है सकुलेंट, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और इधर इनके कुछ और भी बास्केट है, तो इधर ये देखिए इसका नाम बताइएगा, ऐसे इसकी पत्तियां हैं और बहुत लंबी वाइन की तरह जा रही है। तो इसका नाम तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा। ये चाइनीज वायलेट तो नहीं है, क्योंकि उसकी अलग पत्तियां होती है। और देखिए ये इंग्लिश आई भी हुई है, तो ये 250 में ये पॉट में लगा लगा हुआ हैंगिंग बास्केट में आपको मिल जाएगा। और ये भी 250 में है सकुलेंट, दो चार सकुलेंट वेराइटी के लगे हुए हैंगिंग बास्केट में, जो कि बहुत भरा हुआ है। इससे पहले भी मैंने हैंगिंग बास्केट वाले सकुलेंट आप लोगों से शेयर किया हुआ है। और ये भी सकुलेंट में नहीं, बहुत हार्डी वेराइटी में आता है। आप ये वेरीगेटेड वाला जेट प्लांट भी ले जा सकते हैं, इसकी पत्तियाँ पूरी थोड़ी पानी से भरी हुई रहती है, फ्लफी होती है, तो इसमें भी पानी की कम ज़रूरत होती है, तो ये 50 रुपीज़ में ले जाते हैं। अब मैं आपको पॉली बैग वाले 50 रुपीज़ वाले सकुलेंट दिखा देती हूँ, ये भी 50 रुपीज़ में है। और देखिए ये स्टोन सकुलेंट है, ये भी आप यहाँ से 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, देख ही सकते हैं बहुत खूबसूरत है। तो जैसे हम विंटर के फ्लावरिंग प्लांट इंजॉय करते हैं, आप इन्हें भी अपने गार्डन में ले जाकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर समर में आप बचा सके तो बचा भी सकते हैं। बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। इंग्लिश आई भी आप यहाँ देखिए, ये आप 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, बहुत हेल्दी ग्रोथ है इंग्लिश आई भी की। और इधर देखिए ये भी एक वेराइटी है, और ये पर्पल कलर में, इसकी थोड़ी सी लाइट पर्पल कलर में है। और जो सकुलेंट की ग्रोथ है काफ़ी अच्छी है, यानी एक प्लांट में आपको 5-6 प्लांट मिल जाएगा, और जो परफेक्ट होते हैं सकुलेंट में, इससे तो बहुत सारा प्लांट वो तैयार कर सकते हैं। और कुछ तो पत्तियों से भी ग्रो कर लेते हैं। और देखिए ये हवतिया है, हवतिया भी आप पॉली बैग में 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, जबकि ऑनलाइन हवतिया लीजिएगा तो काफ़ी कॉस्टली आता है। और ये इसको शायद लक्ष्मी सकुलेंट बोलते हैं, लक्ष्मीकांत, विष्णुकांत ऐसे सकुलेंट है। और देखिए ये विष्णुकांत सकुलेंट है। तो मुझे सकुलेंट का नाम उतना पता नहीं है, मैं शेयर कर देती हूँ। जो सकुलेंट के शौकीन होते हैं, जो सकुलेंट जिनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, उनको इनके बहुत सारे नाम पता रहते हैं, तो वो वैरायटी देख के पता कर लेंगे। देखिए ये भी बहुत खूबसूरत है। तो जो पॉट में आप, मैं दिखाऊंगी, वो आप 100 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। देखिए
इसमें भी तीन चार प्लांट निकले हुए हैं और ये 50 रुपीज़ में है, क्रेसुला है जो कि बहुत लकी प्लांट मानते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत है, बिल्कुल कमल की तरह खिला हुआ है और इसको पत्तियाँ भी चेंज होती रहती है रेड कलर में, बहुत खूबसूरत है। तो इसे देख के ऐसा लगता है कि सारे सकुलेंट ले जाऊं, लेकिन वही है कि हमारे दिल्ली में गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं और मैं सकुलेंट में परफेक्ट भी नहीं हूँ। कौन सा 150 वाली? तो आप इनके यहाँ से सकुलेंट पॉटिंग मिक्सचर भी ले जा सकते हैं, इससे पहले मैंने वीडियो में शेयर किया हुआ है। 900 ग्राम आपको शायद 150 में मिल जाएगा, स्पेशली सकुलेंट और कैक्टस के लिए है। ये भी हवतिया की वेराइटी है और ये पॉली बैग में है। 160 और इधर ये भी शायद 50 रुपीज़ में होगा। छोटे वाला जो हवतिया 50, जो पॉट वाला जितना भी मैं शेयर करूँगी ये सारे 100 रुपीज़ में है। जो पॉली बैग में शेयर करूँगी वो आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो बहुत खूबसूरत है, देख ही सकते हैं बहुत सुंदर, ये पूरे भरा हुआ प्लांट कमल की तरह दिख रहा है, बहुत सुंदर। सकुलेंट तो ऐसा है कि दिल करता है कि अगर ये सालों भर चलता तो हम इसे ज़रूर एक ना एक कलेक्शन ज़रूर रखते। और इसी समय विंटर में ये दिखने को मिलता है और उसके बाद ये गर्मियों में नहीं आते हैं। ये हवतिया की वेराइटी है और ये भी देखिए, ये भी कुछ और जो बड़े पॉट में है वो आप जैसे 150 में ले जा सकते हैं। जो ये बड़े वाले बीच में देख रहे हैं वो 150 में है। तो प्राइस इनके पॉट और प्लांट की साइज़ पर डिपेंड है। और देखिए ये वेरीगेटेड बेबी संदो जो है बास्केट में है, जो कि आप 250 में ले जा सकते हैं। इसमें पिंक और रेड कलर के फूल भी आते हैं, ये भी सकुलेंट है जो कि बास्केट में पूरा भरा हुआ है, ये भी आप 250 में ले जा सकते हैं। तो पॉली बैग वाला का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है जितना पॉट वाले का ग्रोथ है। तो बहुत सुंदर कलेक्शन आया हुआ है और इतना सुंदर कलेक्शन रहता है और 50 रुपीज़ में इतने भरे हुए प्लांट रहते हैं कि जब भी मैं जाती हूँ तो देखती हूँ लोग सिर्फ सकुलेंट ही लेते रहते हैं और 50 रुपीज़ में बहुत हेल्दी प्लांट आते हैं। तो वहाँ जाइए, अगर आप सकुलेंट के शौकीन हैं तो वहाँ से ले जा सकते हैं। जो कमलेश नर्सरी से सकुलेंट लेते हैं उनको पता रहता है कि सकुलेंट बहुत सुंदर कलेक्शन रहता है। कैक्टस वगैरह भी है जो कि पॉली बैग में 50 में मिल जाएंगे और पॉट में आपको 100 और 150 के करीब में मिल जाएगा। इसके अलावा तो इनके यहाँ विंटर फ्लावरिंग प्लांट तो रहता ही है, तो वो मैंने पहले आप लोगों से देखी। इधर रोजमेरी भी है, रोजमेरी भी आप 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, लेकिन सकुलेंट आप ज़रूर लगाएं, बहुत सुंदर लगता है और इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये डांसिंग डॉल है, तो इनके यहाँ आप पिंक और वाइट कलर में भी ले जा सकते हैं। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।